बिग बॉस सीजन 13 अब धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर कंटेस्टेंट्स के तौर पर यहां पर कई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। दर्शक यहां पर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को लगातार वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नॉट इवन दर्शक बट द सेलिब्रिटीज ऑल्सो सपोर्टिंग देयर फेवरेट कंटेस्टेंट्स। इसी बीच में सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन होगा बिग बॉस सीजन 13 का विनर, और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसे चाहते हैं सभी बिग बॉस सीजन 13 का विनर। जहां तक की बात सभी कंटेस्टेंट्स की है तो सभी बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं, सब अपनी अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन एक कंटेस्टेंट जिसको लगातार सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया जा रहा है, दर्शकों के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। अगर बात की जाए उनके गेम की तो यहाँ पर वो हर टास्क में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। उनका अग्रेसिव नेचर, समटाइम्स उनकी फिजिकल फाइट्स हमेशा चर्चा में रहती है, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के उन्हें कमेंट्स मिलते हैं। और यहां पर सेलिब्रिटीज और नॉन सेलिब्रिटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो लगातार सिद्धार्थ शुक्ला की अच्छाई और बुराई के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर बात हो सिद्धार्थ शुक्ला की तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मोस्टली घर वाले लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। एंड इवन समटाइम्स शो की टीआरपी भी सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ही बनी हुई है। जब सिद्धार्थ शुक्ला थोड़े वक्त के लिए घर से बाहर थे तो शो की टीआरपी में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला की वापस घर में एंट्री हुई तो टीआरपी में एक नया उछाल देखने को मिला। लगातार शो में सिद्धार्थ शुक्ला की काफी तारीफें हो रही है और हर बार वो नॉमिनेट होते हैं और हर बार नंबर वन पर आते हैं और सेफ हो जाते हैं। और इन्हीं बेसिस पर, दर्शकों के प्यार और उनको मिल रहे सपोर्ट के बेसिस पर देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं। इस पर आपके जो भी विचार हो हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें नीचे बेसब्री से इंतजार रहेगा। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।